पिया जी मेरा सूट सिला भगवा, दिला दे चुनरी भगवा वाली, दिला दे चुनरी भगवा वाली के जिसमें जचे तेरी घरवाड़ी। पिया मेरा सूट सिला भगवा, दिला दे चुनरी भगवा वाली। विकास पे इतना ध्यान गया है, आत्मनिर्भर बने उस पर इतना ध्यान दिया है। बहन बेटी की सुरक्षा के लिए उन्होंने पहले दिन से ही कदम उठाया। 17 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि बिल्कुल सुनवाई नहीं होती थी। महिला की गुंडा राज था, बिल्कुल उनका गुंडों का आतंक था, यहाँ पर गुंडों का कब्जा था यहाँ। आज आप देखिए 17 के बाद आपको कोई गुंडा दिखाई देता है यहाँ पर है। जमीन पर जो काम किया गया है बीजेपी के द्वारा, चाहे वो नारी सुरक्षा है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो भारतीय संस्कृति को उभारने का है, चाहे गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का है, वो अपने आप में बोलती है, वो काम अपने आप में बोलते हैं। मेरठ का सोतीगंज जैसा बाजार जिसे कोई सोच नहीं सकता था कि बंद हो जाएगा, वो इस गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। मैं ये मानती हूँ कि बीजेपी की सारी योजनाएं एक तरफ और महिला सुरक्षा का काम जो इन्होंने किया है वो एक तरफ है। आने वाली है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ। ये जो गठबंधन हुआ है ये बहुत खराब हुआ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये झूठा प्रचार है कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, जबकि सब डरे हुए बैठे हुए हैं कि भाजपा ही आएगी। विकास पे इतना ध्यान गया है, आत्मनिर्भर बने उस पर इतना ध्यान दिया है। बहन बेटी की सुरक्षा के लिए उन्होंने पहले दिन से ही कदम उठाया। 17 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि बिल्कुल सुनवाई नहीं होती थी। महिला की गुंडा राज था, बिल्कुल उनका गुंडों का आतंक था, यहाँ पर गुंडों का कब्जा था यहाँ। आज आप देखिए 17 के बाद आपको कोई गुंडा दिखाई देता है यहाँ पर है। तो आज बहन बेटी हर तरह के सुरक्षित है। आज जितनी भी महिला है वो समझ चुकी है, वो जान चुकी है, अगर कहीं कोई सुरक्षा दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय योगी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और केंद्र सरकार ने भी और हमारी प्रदेश सरकार ने भी तमाम तरह की ऐसी योजना है जो महिलाओं के नाम पर भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना महिलाओं के नाम पर है, अपने नाम पर उनका घर हो वो सबका सपना होता। तो महिलाओं के लिए हर तरह से मतलब क्या, पर जहाँ गुंडों को होना चाहिए वहाँ गुंडों को भी पहुँचाने का ऐसा काम किया। आज बहन बेटियाँ हमारी पढ़ रही हैं और आकर बढ़ भी रही हैं। इस तरीके से देख रही हैं मेरठ विधानसभा को, जहाँ अखिलेश यादव लगातार अब चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसा है, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और वो समझती है कि जो हमारे विधायक हैं लोकल के सांसद हैं, उन्होंने बहुत यहाँ विकास करा। देखिए जो सरकारें करा रही हैं वो अलग है, केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि हैं हम सब, वो भी हम विकास हमने बहुत कराया है यहाँ पर। तो चारों तरफ आप देखिए कि कोई दिक्कत नहीं है, जो टूटी फूटी सड़कें हमने आज 17 के बाद आप देखिए एकदम, आप गांव में भी आप जाएंगे, चक्रोड में भी जाएंगे, वो भी पक्की और साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी। बहुत सारा यहाँ विकास का काम हुआ है यहाँ। इस वक्त में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि चुनाव से पहले दल बदलो चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि कहीं समाजवादी पार्टी की घर की बहू भी आज भाजपा पार्टी में आ चुकी हैं और कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडे हुआ करती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं। ऐसा ना, वो इसलिए आ रही हैं, उन्हें पता है कि वहाँ गुंडागर्दी, उन्होंने देखा है सारी चीज़ें। अगर महिलाओं की कहीं सुरक्षा हो सकती है वो भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए तमाम महिलाएँ यहाँ काम कर रही हैं। देखिए सारी जातियों की महिलाएँ हैं, सब महिला हैं, और वो जानती हैं कि सपा के विषय में जानती हैं, वो कांग्रेस के विषय में जानती हैं, बसपा के विषय में जानती हैं, तो महिला यहाँ सुरक्षित रह सकती है, इसलिए वो महिला यहाँ पर आ रही हैं यहाँ पर, और पार्टी ज्वाइन कर रही हैं इसलिए वो भी आई हैं। मैडम काफ़ी सारी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं अखिलेश यादव, दूर दूर की पार्टियाँ भी सपोर्ट कर रही हैं, महाराष्ट्र से NCP भी अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रही है, किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है? आप ये देखिए, अगर उनके पास कोई और भी पार्टी होना गठबंधन करने के लिए वो भी कर ले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सरकार बन रही है, अपूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, 325 के पार हम लोग जाने वाले हैं और सरकार हम पूर्ण बहुमत से हम बनाने वाले हैं। ये जितना भी गठबंधन है, पहले भी आप लोगों ने देखा गठबंधन का इनका क्या नतीजा हुआ है इनका, तो ये सब इनका कहने का है, लेकिन यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश की समझती है किसको लाना है किसको नहीं लाना। सब बिल्कुल चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने। बहुत अच्छे काम किए हैं योगी जी ने, मोदी जी ने, दोनों हमारी डबल इंजन की सरकार ने तमाम काम किए। देखिए जितनी भी योजना है सिर्फ कहने के लिए होती थी, लेकिन आज धरातल पर किसने उतारा, ये हमारी सरकारों ने उतारा है। एक एक हमारा
सरकार का आदमी कार्यकर्ता हमारा नीचे तक ये योजनाओं को लेकर गया है। आप देखिए गांव-गांव में तमाम काम हुए हैं, तमाम जागरूकता आई है, आज सब समझते हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी है जो हर तरह से सुरक्षा कर सकती है। आज आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी बहन बेटी पढ़ रही हैं, बच्चे आज जो पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हर तरह से सुरक्षा मिल रही है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत सारे कदम ऐसे उठाए हैं, हर तरह की फैसिलिटी उनको दी जा रही है, MSME के माध्यम से, स्टार्टअप ये सब इसके माध्यम, सब तरह से उनको किसी तरह से बैंक समूह, हमारी जो गांव में महिला है बैंक से जुड़े हैं, ऐसे आशा वाली बहनें हमारी, आशा वर्कर हैं हमारी, आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनका मानदेय बढ़ा है, तो महिला भी आज ये सब समझ रही है और यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता सब जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी आगे। कितनी सीटें आने वाली हैं इस बार विधानसभा चुनाव में BJP की? जो हम देख रहे हैं, हमने इनका देखा है और जो निकल कर आ रहा है, हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार हम बनाने वाले हैं, बहुत अच्छी हमारी सीटें आ रही हैं। चलिए मैडम, ने कहा कि वो पूर्ण बहुमत से इस बार BJP 2022 में सरकार बनाने वाली है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सरला चौधरी। मैम ये बताइए किस तरीके से तैयारियां हैं BJP के आने वाले 2022 के चुनावों को? चुनाव की तो जो तैयारियां होती है नीतिगत होती ही हैं, लेकिन जमीन पर जो काम किया गया है BJP के द्वारा, चाहे वो नारी सुरक्षा है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो भारतीय संस्कृति को उभारने का है, चाहे गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का है, वो अपने आप में बोलती हैं, वो काम अपने आप में बोलते हैं, तो इसलिए एक सॉलिड तैयारी है। आज अखिलेश यादव तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अखिलेश यादव के परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? सिद्धांतों की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो कितना ही गठबंधन कर ले, कितने ही लोगों को जोड़ ले, लेकिन उस समय को हम नहीं भूल सकते जब चलती हुई मोटरसाइकिल पैसे और जाती हुई लड़की के दुपट्टे लड़के छीन लेते थे। आज वो स्थिति नहीं है, सुरक्षा है, चोरियाँ नहीं हैं, जो रास्ते में जो व्हीकल छीन लिए जाते थे वो नहीं है। मेरठ का सोतीगंज जैसा बाजार जिसे कोई सोच नहीं सकता था कि बंद हो जाएगा, वो इस गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से कदम उठाए गए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से? क्योंकि अखिलेश यादव आए दिन इस बात के आरोप लगाते हैं BJP सरकार पर, योगी सरकार पर, कि सरकार में गुंडागर्दी है। बहुत सारी योजनाएं चली हैं इसमें महिला सुरक्षा को लेके, क्योंकि मैं एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल भी हूँ और अपना डिग्री कॉलेज भी चलाती हूँ, तो हम लोगों के पास वो सारी योजनाएं आती हैं और हम जब उनको हमें ज़रूरत पड़ती है उनकी, क्योंकि एक बहुत विशाल क्षेत्र हम लोगों से जुड़ा हुआ होता है लड़कियों का, गर्ल्स कॉलेज ही है, तो बहुत सारी योजनाएं, पहले क्या होता था, योजनाएं लॉन्च होती थी लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होती थी, लेकिन इस बार ये है कि जो भी योजना लॉन्च हो रही है और हम उसे जब भी कभी परखने की कोशिश करते हैं तो हमें वो धरातल पर एग्जीक्यूट मिलती है, हमें उससे सहायता मिलती है। पहली बात तो वो वैसी परिस्थितियां ही नहीं है कि रास्ते चलते कोई छेड़ रहा है या उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और महिला सुरक्षा की दृष्टि में इससे बेटर नहीं हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता। क्या देख रही है मैडम 2022 10 मार्च को कैसा रिजल्ट आने वाला है, कितनी सीटें मिलने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत आएगा और पूरी ये 300 प्लस सीट लेके जाएगी BJP। हाँ जी, अखिलेश यादव तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, हमारी सरकार आने वाली है 22 में 22 साइकिल चलने वाली। वो गठबंधन कर रहे हैं लेकिन वो देखिए ना कि जो उनके पास जा रहे हैं उनकी बेटियां BJP में, तो वो कैसा गठबंधन है? ये पब्लिक पागल नहीं है? अवसरवादिता के लिए यदि आप गठबंधन कर रहे हैं, चार लोगों को जोड़ रहे हैं, और जो व्यक्ति स्वयं आ रहा है वो अपनी बेटी को साथ नहीं ला रहा है क्योंकि उसे पता है कि मेरी बेटी वहीं सुरक्षित है, तो वो कैसा गठबंधन है? क्या ये पब्लिक अब उतनी पागल नहीं है? मीडिया और सब सोशल मीडिया और इतना प्रचार और सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सब स्पष्ट है, सब बुद्धिजीवी वर्ग है, सब समझ रहा है। आज अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव से लेकर और उनके मौसा जी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, नीतियों से प्रभावित हो गए और इस सच से प्रभावित हो गए कि सरकार यही आएगी। पहले चरण के चुनावों को लेकर अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट सामने आई है उसमें गुंडा माफिया और एक ही विशेष धर्म को लेकर इतना ध्यान क्यों दिया गया? ये तो इनकी विशेषता है, यही तो विशेषता है जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने प्रमाण दिखा दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिया कि सारे के सारे जितनी लिस्ट है वही है जिन्होंने अपनी जमीनों पर, जब वो सत्ता में रहे या किसी भी तरह का अधिकार उनके पास रहा तो उन्होंने अपनी जमीनों पर रोहिंग्या को बसाया, उन लोगों को टिकट दे रखा है, फिर कहते हैं कि जी नहीं उसे नहीं तो उसके परिवार में उसको दे देंगे जिस पर मुकदमा नहीं होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, नीतियाँ तो उसी की लागू होंगी ना, जरूरी थोड़ी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति पर मेंबर होता है, मुकदमा होता है। अगर जिन माफियाओं को टिकट दी गई अखिलेश यादव की तरफ से, आज अगर उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, अखिलेश यादव कह रहे हैं उन्हें फंसाया जा रहा है,
नहीं उनके मुकदमे किसे नहीं पता। हम लोगों ने आंखें बंद थोड़ी कर रखी है, वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी ना, किस तरह से नहर पे से ट्रैक्टर उठा 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 करके जो है पुल पे से उठा के नहर में फेंक दिए गए, किस तरह से चौराहों पर लाउड स्पीकर से जो अनाउंसमेंट होता था कि आ जाइए निकलिए, ये तो वो चीज़ें तो हमने देखी है, कोई हमें बता थोड़ी रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैम क्या नाम है आपका? नीता गुप्ता। नीता मैम किस तरीके से देख रही हैं तैयारियां बीजेपी की, एक तरफ अखिलेश यादव तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करके बैठे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, ये बात तो सच है और अखिलेश यादव जी गठबंधन करने हैं, उन्हें पूरा अधिकार है, एक राजनीतिक पार्टी है वो भी, वो कुछ भी करें, लेकिन वही बात है ना कि जनता जब तुलनात्मक दोनों का कंपेयर करेगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कार्यकर्ता है एक योद्धा की तरह से पूरी तरह से लड़ाई कर रहा है और जितनी भी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं उसको मतलब धरातल पर ले जाने का कार्य कार्यकर्ता ने जो करा है उसका उनको फल उसका लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या बात कहेंगे हम, किस तरीके से है महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार? मैं ये मानती हूँ कि बीजेपी की सारी योजनाएँ एक तरफ और महिला सुरक्षा का काम जो इन्होंने किया है वो एक तरफ है। जो महिलाएं आजकल चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों चाहे हिंदू महिलाएं हों, इनकी तरफ जो आकर्षित हो रही हैं उसका मुख्य कारण यही है कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से मतलब धरातल पर हम देखते हैं, ज़मीनी उस पर कहते हैं, जो चेन स्नैचिंग मेरठ में बंद हो गई, किस हद तक ये चेन स्नैचिंग होती थी, अपहरण होते थे, सब मांगते थे अपहरणकर्ता, इतने आए दिन अखबारों की न्यूज़, वो सब कॉलम ही खाली हो गए, मतलब जो क्राइम का रेट गिरा है वो दिख रहा है हमें, उसलिए हम प्रभावित हैं कि शायद यह सरकार ही हमारी सुरक्षा कर सकती है और सुरक्षा सबसे पहली ज़रूरत होती है आदमी की, बाकी योजनाएं तो बाद में ही वो भुगेगा जब वो सुरक्षित रहेगा तभी। किस तरीके से देख रहे हैं मैम, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार 2022 में विधानसभा? देखिए सीटों का तो हम अंदाज़ा नहीं बता सकते क्योंकि हम कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हैं, लेकिन हाँ बहुमत इनको स्पष्ट मिलेगा ये हम कह सकते हैं। बीजेपी को बहुमत है इस बार 2022 में। माता जी से बात करते हैं, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम श्रीमती सत्या मलिक। ये बताइए किस तरीके से देखने वाले हैं रणनीति, कैसी कौन सी सरकार आने वाली है 2022? आने वाली है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये जो गठबंधन हुआ है ये बहुत खराब हुआ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये झूठा प्रचार है कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, जबकि सब डरे हुए बैठे हुए हैं कि भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी बिल्कुल। माता जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी 73 इयर्स ओल्ड हूँ मैं। 73 मतलब काफी सारे साल हैं, राज देख चुके हैं सर, कांग्रेस देख चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की, किस तरीके से बदलाव देखा आपने योगी इतना देखा है कि वो बार बार चिल्ला रहे हैं महंगाई बढ़ी महंगाई बढ़ी, महंगाई कहाँ बढ़ी है? पहले गरीब आदमी वही है जो भैया कह रहे थे कि 1 रुपए की 1 चिलम बिकती थी, अब 100 रुपए की 1 चिलम बिकती है। पहले भी वो रोटी खाते थे, अब भी पहले छिन्ना झपटी होती थी, क्राइम करते थे लोग, मारते थे पीटते थे उनको, गरीबों को सारा सामान छीन ले जाते थे, कम से कम ये सुरक्षित तो हो गए। महंगाई तो सबके लिए बढ़ी है, पहले 40 रुपए किलो घी था, अब 800 रुपए किलो घी है, तो महंगाई कहाँ बढ़ी? महंगाई तो इट इज़ है। तो ये सब प्रोपगंडा है, झूठी बात है, अफवाहें हैं, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन ये बदला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें लड़कियों में आत्मबल की भावना पैदा हुई है, वे किसी से अब डरती नहीं है, वे खुले आम चलती हैं, पहले डरती थी, उनमें एक भय बैठा रहता था पता नहीं कौन कब तुम्हें उठा के ना ले जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां सेना में मतलब प्रहरी होके कर लिए, पायलट बन गई हैं, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है इनकी। तो देश यादव कह रहे कोई काम नहीं किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में, सिर्फ रिबन काटे हैं हमारे काम, तो हमारा मुंह है, जब माने कुछ भी कहे तो ये तो अंदर चली जा। लेकिन आज का वर्ग पढ़ा लिखा है, सब समझता है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। हमारे माननीय मोदी जी पूरे विदेशों में बच्चे बच्चे को पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, माननीय मोदी जी, लेकिन हमारे यहाँ के देश के किसी बच्चे को नहीं पता कौन जर्मनी का कौन प्रधानमंत्री, अमेरिका का कौन है। तो क्यों पता है विदेशों में बच्चे बच्चे को? क्योंकि इन्होंने कार्य किया है, ये ओजस्वी हैं, ये कठिन परिश्रम करते हैं, ये मतलब ऐसा व्यक्ति, इनका मैंने इनको राम लक्ष्मण हनुमान की वो दी है पदवी, ये तीन है जी हमारे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आने वाले हैं, नीता गुप्ता जी किस तरीके से देख रही हैं चुनाव? बहुत जोश है सब लोगों में, उम्मीद है जो योगी जी ने पिछले 5 सालों में काम करा है उसको और बढ़ा के बताएंगे। आप कवित्री हैं, एक गाना सुना दीजिए मैडम। अच्छा गाना सुनाते हैं,
पत्नी और पति की लड़ाई का कारण बन रहे हैं योगी जी। क्यों? क्योंकि पत्नी कह रही है मुझे सूट सिलवा दे, पति कहता है मेरे तेरे पास इतने सूट हैं, बोले वो सूट नहीं नया सूट। कैसा? पिया जी मेरा सूट सिला भगवा, दिला दे चुनरी भगवा वाली, दिला दे चुनरी भगवा वाली के जिसमें जचे तेरी घरवाड़ी। पिया मेरा सूट सिला भगवा, दिला दे चुनरी भगवा वाली, जिस चुनरी पर लिखी योजना सारी हो, श्यामा दीन दयाल जी अटल बिहारी हो, लाल चौक पर मेरा तिरंगा हंसता हो, और हस्ती के सर की एक एक क्यारी हो, देश का सेवक मोदी, हो देश का सेवक मोदी, योगी करे यूपी की रखवाली। पिया मेरा सूट सिला भगवा, दिला दे। बहुत धन्यवाद मैडम।